स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12, कैसे हैं आप सब बच्चों? बच्चों आपकी केमिस्ट्री का एग्जाम हो चुका है, फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। आमतौर पे बच्चे फिजिक्स के एग्जाम को लेकर काफी नर्वस होते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि एग्जाम में क्या होगा। तो बच्चों आप लोगों ने केमिस्ट्री का एग्जाम दे लिया है और अनुभव हो गया है। एमसीक्यूज जो थे आपने देखा था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से थे, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो सब आ रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना है। उससे पहले जरा सिलेबस को देख लीजिए, किन चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है। देखो सबसे पहला जो यूनिट है आपका, आपके टोटल 9 यूनिट्स हैं, टोटल 70 मार्क्स। तो पहला यूनिट जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस, फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, ये ओवरऑल अच्छा खासा वेटेज यानी कि 16 मार्क्स का है। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इंक्लूडेड है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स और करंट मिलकर के 16 नंबर का है। उसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी करंट का मिला करके थर्ड फोर्थ यूनिट मिलकर के आपका 17 मार्क्स का है। यानी कॉन्टेंट वाइज भी अगर हम देखें तो यूनिट 1 यूनिट 2 का जितना कॉन्टेंट है उतना ही लगभग 3 और 4 का भी है, और वेटेज वाइज देखो इसका थोड़ा सा ज्यादा ही है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट 5 और ऑप्टिक्स यूनिट 6, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स, ये एक्यूमुलेट होकर के यानी कि यूनिट 5 और 6 मिलकर के 18 मार्क्स का है, करेक्ट। और ये थोड़ा सा बच्चों को इजियर पड़ता है कॉन्सेप्ट वाइज, तो इस पार्ट को जरूर देखना है। देन डुअल चार्जेस, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर आपका 11th है, यूनिट 7, जिसमें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री पार्ट है, तो जिनको फिजिक्स में दिक्कत होती है ना उनके लिए केमिस्ट्री वाला पार्ट इजी रहता है, तो ये इजी स्कोरिंग है जिसमें एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज जो है वो केमिस्ट्री वाले हैं, लगभग सारे, जो 12 नंबर का है। तो यानी कि ऊपर का जो 18 था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ये जो है डुअल चार्ज, ये वाला पार्ट आमतौर पर बच्चों को ईजी पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें सेमीकंडक्टर है, मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब पार्ट भी इजी रहता है। ज्यादातर बच्चों को करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स में प्रॉब्लम होती है। तो स्टार्ट ऐसे करो जो चैप्टर सबको इजी लगते हैं। सपोज अगर आपको केमिस्ट्री पार्ट इजी लगता है तो पहले आप नीचे वाले पोर्शन कर लो, एटॉमिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके बाद आप ऊपर बढ़ते चलो जिस हिसाब से आपको इजी लगता हो। जिन बच्चों को ऑप्टिक्स थोड़ा इजी पड़ता है, रे ऑप्टिक्स इजी पड़ रहा है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसको कर जाओ। धीरे धीरे मूविंग ऑन टू द टॉपिक्स जो आपको समझने में दिक्कत होती है। अब डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे कि इतने कम समय में भी हम अच्छा स्कोर कर सकें। अगर हमने पढ़ा है तो हम अच्छा स्कोर करेंगे, अगर हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो हम कम से कम पास मार्क्स लाएंगे। तो बच्चों जब हम फिजिक्स की तैयारी करते हैं ना, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि एग्जामिनेशन जो आपका होता है ना सीबीएसई बोर्ड का, वो इंटायरली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आता है ना, काफी सारे डेरिवेशन आते हैं। तो देखो सबसे पहले एनसीईआरटी को तो गो थ्रू करना पड़ेगा। स्टूडेंट शुड हैव इम्पोर्ट, आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप पे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। और चूंकि सीबीएसई में अटेम्प्ट के नंबर है, मान लो आपसे नहीं बन रहा, आपने फॉर्मूला लिख दिया, आपको हाफ मार्क्स फिर भी मिल जाएंगे, है ना। डेफिनेशन नहीं आ रहे तो जितना जो कुछ भी आ रहा है अटेम्प्ट लेना भी जरूरी होता है। तो कोशिश करना कि फॉर्मूला शीट कहीं से बनी बनाई मिल जाए, अगर आपने नहीं बनाई है तो, अब बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप कर पाओगे, क्योंकि डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, डायरेक्ट जो होते हैं ना क्वेश्चंस वो आते हैं, और डेरिवेशंस भी आते हैं, तो आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे कम से कम 2 बार 3 बार, तभी जाकर के एग्जाम में आप कर पाओगे। कई बच्चे क्या करते हैं ना, डेरिवेशन रीड करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आ रहा है, बट वेन यू गो टू राइट आप लिख नहीं पाते हो। तो आपको लिखने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए घर पर भी लिखना जरूरी है। तो जितने भी डेरिवेशन है क्लास 12th की, उसको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, मान लो आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया है, तो आप लोग कुछ इजी इजी जो डेरिवेशन है उनको प्रैक्टिस करो। मैं वीडियोस डालूंगी जिसमें ऐसे कंटेंट्स डालूंगी कि रैपिड रिविजन जैसे केमिस्ट्री का कराया था वैसे ही फिजिक्स का भी करवा दूंगी, बट कीप वर्किंग हार्ड। ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ्स की भी तैयारी करोगे आप, है ना। तो फिजिक्स पेपर में मैंडेट है, ग्राफ तो आता ही आता है, तो आप उसकी भी तैयारी करोगे स्टूडेंट्स। इसके बाद आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करोगे, घर में 3 घंटे दे करके एग्जाम के जैसा माहौल बना के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू करोगे घर पे, एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस देखो, है ना,
PYQs करो, NCERT की derivations करो, formula को formula tip बिल्कुल ही finger tip पे रखो, formula sheet रहेगी तो numerical आपका हो जाएगा, है ना। basic definitions, electromagnetic wave क्या है, easy, बहुत मुश्किल वाले नहीं करो, in depth आपसे जितना हो रहा है basic अगर कर लोगे ना, definitions, derivations, formulas, तो आपसे numerical भी बन जाएंगे, कुछ कुछ numericals भी देख लेना। 5 साल के previous year के question देख लोगे, खुद अपने आप बहुत सारी चीजें आपसे हो जाएंगी। सो बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, मेक अ डेट शीट, डेटा शीट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज एंड अदर इंपॉर्टेंट फिगर्स टू बी यूज। जितना आ रहा है ना उतने का डेटा शीट तो आपके पास रेडी होना चाहिए, फॉर्मूला शीट। गेट अ गुड कमांड ओवर ऑल द डेफिनेशंस, डेफिनेशंस बेसिक है, डेफिनेशंस आते आते हैं, उसके बाद डेफिनेशंस के बाद अगर फॉर्मूला याद है, मान लो तुम्हें डेरिवेशन नहीं याद है, तो आधा अधूरा भी याद है तो तुम्हें आधे स्टेप के नंबर मिलेंगे। तो डेरिवेशन जितना कर सकते हो आप करो, डेरिवेशन नहीं हो रहा तो कम से कम डेफिनेशंस याद कर लो, फॉर्मूलाज याद कर लो, ताकि बहुत हद तक आप एमसीक्यूज कर पाओ, क्योंकि एमसीक्यूज डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से। नो द जनरल आइडिया, बेसिक अगर हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स करना सीख जाओगे ना फॉर्मूला से, तो आप कर पाओगे। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो लास्ट ईयर पढ़ाई कर रहे हैं। गिव अगर आप डायग्राम, कुछ इंपॉर्टेंट 15-20 डायग्राम है, ग्राफ्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, मैं उसकी वीडियो डालूंगी, फिजिक्स प्लेलिस्ट में डालूंगी। सो वो स्कोरिंग जोन होता है। इसके बाद बी पॉजिटिव, पढ़ते रहिए, प्रे टू गॉड सब अच्छा होगा, बी पॉजिटिव एंड यू विल सक्सीड। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू, सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।